corn vegetable. What are you cooking? Cattle meat. Huh? Cattle meat? Yeah. Okay. So he's the chef. Hello everyone. This is Zeeshan. और आ गया मैं अपने एक नए वीडियो के साथ. Right now guys, मैं हूँ अभी एंटीगा में, one of the Caribbean islands और lovely beach. बहुत लवली बीच, लवली सी वाटर, कलर, टेम्परेचर, क्लाइमेट सब कुछ अच्छा है. टेम्परेचर की मैं अगर बात करूँ तो कुछ कुछ हमारे जैसा ही है, इंडिया के जैसा. आज टेम्परेचर यहाँ पे 28 डिग्री है, 28 डिग्री सेल्सियस, और आप देख सकते हैं काफ़ी धूप है. यहाँ बिना चश्मे के आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो. एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि धूप होने के साथ साथ जो ब्रीज है, हवा जो चल रही है वो ठंडी है, और इसलिए आज मेरा मन कर रहा है स्विमिंग करने का. तो मैं देखता हूँ, यहाँ से जाऊँगा बस स्टॉप पे, बस मिलेगी, वहाँ से आई विल गो टू पोर्ट जेम्स बीच अगर पॉसिबल हो पाया तो. आई हैव लॉट ऑफ टाइम विथ मी, अराउंड 6 घंटे हैं मेरे पास, तो अगर देखता हूँ वहाँ हो जाता है. Mode on. This is Antigua and Barbuda. Lovely ships out here, बहुत सारे ships हैं यहाँ पे, and Caribbean music. Excuse me, hello. Where's the bus stop over here? I want to go to Port James Beach. Just over there? Yeah, go there. Okay, thank you. So, यहाँ पे पोर्ट ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि मुझे कैसे जाना है. उन्होंने बताया यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे, इसे बड़ी अर्टिगा कार के जैसा बोलेंगे, बट ये यहाँ इसे बस कहते हैं. तो बिल्कुल सेम उसी तरह जैसा हमें वेस्ट इंडीज ग्रेनेडा में मिला था. तो चलता हूँ मैं. पूरी लूट मची हुई है यहाँ पे, कुछ हद तक इसी तरह है जैसे कि हमारे हमारे सिटी, हमारे शहर में, हमारे देश में जब बाहर से फॉरेनर्स आते हैं तो जैसे टैक्सी ड्राइवर्स उन्हें लूटते हैं ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ही जाना होता है, लेकिन वो उन्हें गोल 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 घुमा के 100 का भाड़ा 1000-2000 ले लेते हैं. तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे अभी है. अभी एक अभी पता चला, मैं तो जाने वाला था अभी फोर्ट बी जेम्स फोर्ट बीच पे, लेकिन अभी वो आज बंद है, मुझे अभी बस ड्राइवर ने बताया. स्टिल उसने एक कंडीशन रखी कि मैं आपको वहाँ पे लेके चला जाऊँगा, बट आई वोंट टेक द गारंटी. और जहाँ $2 बस का रेट था वो मुझसे मांग रहा है $15. तो मैंने बोला नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना. अब देखता हूँ क्या करना है, थोड़ा टाउन ही घूमूंगा आसपास, उसके बाद लेट्स सी, देखते हैं. ये यहाँ का ओपन मार्केट प्लेस, सब्जी मंडी, सब्जियाँ बेच रहे हैं, गाजर, मूली, खीरा, स्वीट पोटैटो,
नारियल और केला, पूरा देसी ही है जस्ट। सच में हर चीज़ इतना महंगा है, सच कहूँ तो पार्ले जी बिस्किट भी यहाँ पे 50 रुपये का मिल रहा है कुछ इस तरह। तो यार हमारा माल हमें ही कोई बेचता है बहुत लूट मची हुई है, हर कुछ महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो मैं अभी जहाँ चल रहा हूँ ये पूरा का पूरा मार्केट प्लेस है। पीछे सब्जी का मार्केट था, तो उसके बाद क्लोथ मार्केट, यहाँ पे इमिटेशंस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टॉयलेटरीज, फ्रूट्स और हर तरह की चीज़ें, पर्स, लेडीज़ हैंडबैग्स, ये सभी। सो ओवरऑल ये यहाँ का लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको सारी अमेनिटीज़ मिलती हैं। और गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, मुझे GTA का याद आ गया। एंड इनफैक्ट हर जगह ऐसे ही था। लास्ट जब मैं ग्रेनेडा गया था, ग्रेनेडा वेस्ट इंडीज़, हाँ, तो वहाँ पे भी मुझे चीज़ें वैसे ही मिली। एक पल को ऐसा लग रहा था मैं GTA में हूँ, रियल लाइफ GTA में आ गया। गाड़ियाँ वैसे ही बिल्कुल पूरी की पूरी मॉडिफाइड GTA की जैसी, और वहाँ पर लिखा हुआ भी होता था हर एरिया में GTA, जैसे सैन एंड्रियास था तो यहाँ GTA ग्रेनेडा, GTA एंटीगा, हर जगह। ये लोग एक्चुअली इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। सो ये यहाँ का ड्यूटी फ्री मार्केट है, एंटीगा में सबसे बड़ा मार्केट जहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड चीज़ें मिल सकती हैं, और सारे रिटेल आउटलेट्स हैं यहाँ पे। इस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा फॉरेन ब्रांड्स मिलेंगे और फॉरेनर्स मिलेंगे। Yeah.